हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है सफ़ेद मटर का चाट बनाना, जो बनने के बाद से बहुत ही चटपटा और टेस्टी लगता है। देखिए, मटर को हमने रात भर पानी में भिगो के रखा था, अब हम इसे बनाएंगे। इसके लिए हमने एक कुकर लिया है, अब इस कुकर में हम मटर को डाल देंगे। दो आलू हमने लिया है, इसे भी हमने काट के धो लिया है, इसमें डाल देंगे। और दो टमाटर लिया है, इन तीनों को हम बॉयल करेंगे। हम दो कटोरी पानी डालेंगे, इससे हमारा मटर बहुत अच्छे से उबल जाएगा। आलू और टमाटर डालने से हमारा इसमें तीनों का फ्लेवर मिलेगा। देखिए, पानी बस इतना ही रहेगा। अब हम इसे दो तीन सीटी लगाएंगे। दो तीन सीटी लगने के बाद से इसे हम चेक करेंगे, मटर हमारा गल गया है। देखिए, ये मटर और आलू और टमाटर को हमने बढ़िया से मैश कर लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, अब हम इसमें दो चम्मच तेल डालेंगे। तेल हम गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, और इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा इसे चटकने देंगे। थोड़ा सा हींग डालेंगे। जीरा को हमने भून लिया है, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। चला देंगे, दो हरा मिर्च डालेंगे, दो मिनट इसे भूनेंगे। दो मिनट हो गया है, प्याज हमारा भून गया है। देखिए, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब दो मिनट इसे ही सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें हम कुछ मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले एक चम्मच हल्दी डालेंगे, जीरा पाउडर एक चम्मच, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच सूखी लाल मिर्च और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर अच्छी तरीके से मिला लेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। हम मसालों को अच्छी तरीके से पहले भून लेंगे। मसाले को हमने भून लिया है, देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है। अब हम इसमें जो उबाले थे मटर, इसको डाल देंगे। इसमें उबला हुआ मटर मिला देंगे, इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा मटर जो गल गया था, कितना बढ़िया तैयार हुआ है। अच्छी तरह से मिला के इसे चाट के लिए तैयार करेंगे। चाट के लिए देखिए बिल्कुल तैयार है हमारा ये मटर वाला छोला। देखिए कितना बढ़िया आया है कलर इसका, और इतना ही गाढ़ा ये होना चाहिए चाट के लिए। अब हम इसमें धनिया का पत्ता डालेंगे और दो मिनट इसे और पकाएंगे। अब धनिया के पत्ता को हम मिला देंगे इसमें। देखिए, अब हम इसे सर्व करके दिखाएंगे आपको। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए कितना बढ़िया चाट हमारा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही चटपटा लग रहा है, और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। सबसे पहले इसमें हम खट्टी मीठी चटनी डालेंगे, और तीखा चटनी, दही। देखिए दही आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। बहुत लोगों को दही नहीं पसंद है, जैसे नहीं पसंद तो नहीं डालेंगे। थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा पापड़ी, थोड़ा सा
सेब डालेंगे, थोड़ा धनिया का पत्ता। देखिए हमारा चाट बनके तैयार हो गया है। आप जब भी चाहें इसे बना के खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर हमारा आपकी अगर हमारी चाट की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमें लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।